Hey guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, please don't forget to like, share and subscribe. तो आज है दर्श का वैक्सीनेशन डे और हम उठ चुके हैं. दर्श तो अभी भी सो रहा है तो तैयार हो जाते हैं. वो उठो. उठ गया. दर्शु. तो बस फिर हम लोग निकल गए थे दर्श की वैक्सीन लगवाने के लिए हॉस्पिटल. और बस यहाँ से हॉस्पिटल पास में ही है. 5 मिनट या 10 मिनट की ही रास्ता है. देरी है, बैठे हुए थे. चल ठीक है, उनसे बात. यहाँ हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल दर्श के. और मैं इनके पापा को दर्श को दे दूँगी क्योंकि बहुत चलना पड़ता है वहाँ पे. तो मैं पर्स वगैरह और फाइल वगैरह लिए हुई थी तो मैंने दर्श के पापा को दे दिया था. अभी वैक्सीन लग जाएगी. तो दर्श को वैक्सीन लगवा के हम आ चुके हैं और वो सो रहा है. अब हम बनाएंगे चाय और चाय पीते हैं. तो ये है मेरा नाश्ता, पराठा, सब्जी और चाय. आंटी ही खाना बना के जा चुकी हैं. अब हम नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है. तो जिस दिन वैक्सीन लगती है बच्चा उस दिन बहुत परेशान हो जाता है. इसको मैंने दवा दे दी है और अब ये वैसे तो सोएगा क्योंकि दवा का असर रहेगा, बट बहुत बहुत रोता है बच्चा उस दिन, बहुत परेशान होता है. क्या हो गया? नहीं रोते, दर्द हो रहा. यहाँ पे थोड़ा अनइजी फील कर रहा था या इसको नींद आ रही थी मुझे समझ नहीं आया. तो दर्श को मैंने फिर से सुला दिया है. बहुत मुश्किल से सोया है जब तक मुझे अपने बहुत सारे काम निपटाने हैं और उसको मैंने वहाँ पे सुला दिया है. और अभी मुझे जल्दी से कपड़े वॉश हो चुके हैं, उसके कपड़े बस मुझे ड्राई करके डालने हैं. फिर मैं आ गई थी यहाँ पे. ये कपड़े दर्श के धुल चुके थे, उनको मुझे सुखाने डालना था. तो अभी मैं लूँगी एप्पल और मेरा दूध. अभी हो रहा है दोपहर का 1. इस टाइम तक मेरा वैसे तो खाना हो जाता है बट इसका वैक्सीनेशन डे था और ये तंग भी बहुत कर रहा था. फिर बाद में तो मेरा सब कुछ डिले हो गया. तो अभी मैं ये ले रही हूँ. इसके बाद मैं 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद फिर मैं लंच करूँगी मेरा. मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा घुमा रही थी क्योंकि इसको ऐसे घुमाना ही पड़ता है. ये सो के उठा था तो, और इसको दवा का असर हो रखा था तो इसको नींद फिर से आ रही थी. तो मैंने सोचा ऐसे घूम घूम के ये सो भी जाएगा. तो बस मैं इसको ऐसे घुमा दूँगी और ये फिर से सो जाएगा. तो खाने में मैंने लिया है दाल, राइस, दही, सैलड और सब्जी. दर्श को मैंने सुला दिया है. अभी बज रहे हैं 2 और मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ अपना, वरना अगर वो जग गया तो हो सकता है वो ज़्यादा रोने लग जाए क्योंकि अभी तक तो वो ठीक था. तो लेट्स सी और होप कि वो ना रोए और उसका दर्द ठीक रहे क्योंकि बहुत पेनफुल होता है, स्पेशली फॉर माई बेबी. मुझे बाकियों का नहीं पता पर इसको तो बहुत दर्द होता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. तो चलो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं. अगर ये ठीक रहा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अगर ये थोड़ा परेशान रहा तो फिर मैं ये व्लॉग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी.
तो अभी बज रहा है शाम का 7। मैंने लंच किया था 2 बजे, 2 बजे से अभी तक मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया था और वो बहुत रोए जा रहा था, तो मैं उसको संभाल रही थी। बट अभी वो बिल्कुल ठीक है और वो खेल रहा है और बस पूरी दोपहर तो उसने ऐसे ही किया, तंग किया, और वो खुद भी तंग हुआ क्योंकि वो बहुत बहुत दर्द में था। और बस चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ऑलमोस्ट 12 आवर्स होने वाले हैं। मैंने उसको सुबह जल्दी वैक्सीन लगवा दिया था तो ये अभी तक तो ठीक हो गया है, वरना हर बार हम लोग 10-11 बजे तक वैक्सीन लगवाते थे ना तो बहुत बहुत लेट तक उसका दर्द सही होता था। चलो अभी ठीक हो गया है, आराम से अब खेलेगा, अब देखते हैं क्या करते हैं। अभी हो रहा था टाइम 7:30 शाम का, तो मैंने चाय और फ्राइड राइस बनाए थे। बिस्किट के बिना मेरी चाय होती है अधूरी, तो मैंने यहाँ पे बिस्किट भी ले लिए हैं, तो चल चल के खाते हैं। फिर हम लोग निकल गए थे थोड़ा बाहर ताकि दर्श को थोड़ा ठीक लगे, और ये ठीक भी हो गया था। यहाँ पे रात में 8:30 बज रहे होंगे, हम लोग घूम के आए थे बाहर से, तो हम लोगों को पैनकेक खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पैनकेक बना रही थी और साथ में ही मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत मन कर रहा था स्ट्रॉबेरी शेक पीने का, तो बस मैं दोनों चीज़ें बना लूँगी यहाँ पर। और ये शेक तो बन गया था, पैनकेक का मैंने शूट लिया था पर वो मैंने कट कर दिया था किसी रीज़न से, तो यहाँ पे सब रेडी हो जाएगा और हम लोग खा लेंगे डिनर। अभी तक हम लोगों ने नहीं किया था डिनर, हम लोग थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि अभी हमारा मन नहीं कर रहा था। तो टाइम हो रहा है 12 रात का और मुझे लगी थी फिर से भूख, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैगी। तो या ऐसे ही होता है, दर्श सो चुका है और हम दोनों को ही भूख लग रही थी, तो बस सुबह लेट ही उठने वाले हैं तो अभी लेट सोएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पापा को कल फर्स्ट हाफ में नहीं जाना है, सेकेंड हाफ जाएंगे। तो या हम अभी भी जग रहे हैं, इवन अभी थोड़ी देर बाद दर्श भी जग जाएगा तो हमको वैसे भी जगना ही रहेगा, तो ठीक है खाते हैं पीते हैं फिर सोएंगे। तो मैगी हो गई है रेडी, अब हम चलते हैं और खाते हैं, ये लो। पता नहीं मेरे बच्चे को मेरे खाने से क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं खाने बैठती हूँ या तो उठ के रोने लग जाएगा या तो फिर पॉटी कर लेगा या तो फिर पता नहीं क्या क्या, बट मुझे खाना खाने नहीं देगा चैन से। बट ठीक है, थैंक्स टू हिज पापा, वो बहुत सपोर्ट कर देते हैं और जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ तो वो ले लेते हैं, तो ठीक है। तो या ये था हमारा पूरा दिन, थोड़ा हेक्टिक था बट दैट्स ओके, ज़रूरी था इसका वैक्सीन लगना और अब सीधे 9 मंथ कंप्लीट होने में वैक्सीन लगने वाली है इसको, अब तो नहीं लगेगी। बच्चा बहुत परेशान करता है, बहुत रोता है, खुद भी परेशान बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये तो बहुत रोया था जब इसको जब इसको वैक्सीन लग रही थी तब तो ये बहुत रोया था, बट ठीक है अब लग गया, अब तो बहुत टाइम है, बहुत बड़ा गैप है। सो या शाम तक ये ठीक हो गया था क्योंकि मैंने इसको टाइम पे दवा दे दी थी आने के तुरंत बाद, और मैंने मॉर्निंग में ही लगवाई थी ना वैक्सीन, एकदम मॉर्निंग में लगवा ली थी, तो शाम तक बच्चा ठीक हो गया था, उसको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और टाइम से दवा देने की वजह से भी बच्चा सोता रहा और
दिन अच्छे से निकल गया, वरना लास्ट टाइम उसने बहुत 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 परेशान किया था। सो या दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। बाय।